ये वाला जो लॉकडाउन पिछले हफ्ते ऐलान किया था वो सोमवार को सुबह 5 बजे तक है। उसके आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाज़ार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन, 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक, दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। दूसरा, जितने दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं, उन सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे, और ग्रुप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 100% काम करेंगे, और हर एचओडी डिसाइड करेगा कि किसको एसेंशियल सर्विस कहना है और किसको 50% करना है और किसको 100% करना है। जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं, उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं, और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें, और अपने प्राइवेट ऑफिसेज कोशिश करें अपने टाइम को स्टैगर करने की, कि ताकि सब लोग एक साथ सड़क पे ना आए। दूसरी चीज़, जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं और जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली शॉप्स हैं, वो ऑड इवन के बेसिस पे नहीं, वो रोज खुलेंगी। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है, और ई कॉमर्स के जरिए जो सामान बेचने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ों की रियायत दी जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी कोरोना की स्थिति अगर काबू में रही तो और कई सारी एक्टिविटीज़ को फिर उसके अगले हफ्ते खोलेंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।